जैसे फूल जचते हैं बाग में, वैसे ही निशा सिंह जचती है भोजपुरी फिल्मों के साथ में। ओ राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी, ये तमाम गानों में इन्होंने बहुत अच्छे से किरदार निभाया है। दूल्हा ऐसन चाही के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नमस्कार प्रणाम सभी को, मैं निशा सिंह और मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलकर। तो मैं ये बताऊंगी, ये जो फिल्म है ये बहुत ही फैमिलियर फिल्म है। इसके जो डायरेक्टर हैं अजय झा जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये जो फिल्म है एक्चुअली बहुत फैमिली ड्रामा है। इसमें जो हमारे एक्टर हैं, हमारे वो भी फ्रेंड हैं जो मेल एक्टर हैं, शिवम गौर जी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। और स्टोरी इसकी बहुत यूनिक है, मोबाइल के डाली मशीन में। एक्चुअली वो होली का सॉन्ग था, लेकिन लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि वो 7-8 साल जैसे नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं जैसे लॉलीपॉप बजा, वैसा बजा था। मेरा बाजा बाजी की ना बाजी, वो सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी यूपी बिहार झारखंड, वो नेपाल बंगाल में भी वो सॉन्ग्स बजे। जब मैं इस सॉन्ग को बहुत लकी मानती हूँ, बाजा बाजी की ना बाजी। इतना एंजॉय करते करते, काम करते करते टाइम यूँ निकल जाता कि पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बस काम करना इतना पता है। कुछ बोलना चाहेंगे भोजपुरी में? हाँ, काम करती हूँ, हमारी माटी है भाई, हम तो भोजपुरी में ही बोलेंगे। हाँ, तो भोजपुरी में अगर मुझे ये कहना हो कि ये फिल्म को जरूर देखें, तो हम कहेंगे ऐसे, नमस्कार प्रणाम, हम बानी निशा सिंह और रउआ लोग के आए के बाद बहुत जल्द एगो बहुत बढ़िया फिल्म आवता जेकर नाम बा दुल्हन ऐसे चाही। तो रउआ लोग आई, देखी और प्यार दी, बहुत झक्कास फिल्म बा। तो बहुत झकास फिल्म बा, आप सभी से निवेदन है कि ये जो दूल्हा ऐसन चाही बहुत झकास फिल्म बा। आप लोग तो मेरे कोशिश करिए कि आपका थोड़ा कॉपी पेस्ट मार लूं, तो आप लोग जरूर देखिए बा और परिवार के साथ जाए बा, ऐसे ही के साथ आए के बा और बहुत बढ़िया फिल्म बा देखे के बा, यही से क्योंकि बहुत बहुत सुंदर स्टोरी बा। एमे जो आर्टिस्ट बा वो बहुत बढ़िया बाड़न, लड़की भी बा, मतलब अब मैं थोड़ी सी ठरकी बोलूँ, आइटम बहुत मस्त भी है। तो रब्बा लोग जरूर आए और बहुत अच्छा फिल्म बा, प्यार और आशीर्वाद। तो आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए बा। और अच्छा अच्छा, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दूल्हा ऐसन चाही के, दूल्हा यानी शिवम जी के बारे में? भोजपुरी में बोलना है आपको। बात ऐसन बा कि जो शिवम जी बारे बहुत स्वीट बारे, बहुत क्यूट, तो सब लड़की यही चाहे कि दूल्हा ऐसे ही चाहिए। और तो एक्चुअली सच्ची में कहूँ तो दूल्हा उस लायक है कि हम लोग सब ये कहें कि दूल्हा ऐसे ही चाहिए। और सारी लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है बहुत स्वीट हो, सुंदर हो, अच्छा हो, केयरिंग हो, तो ये सारी क्वालिटी शिवम जी में है। तो ये मूवी देखने के बाद आपको भी दूल्हा ऐसन चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली चाहिए बाबा, सबको चाहिए। सारी लड़कियां कहेंगी ये चीज। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गौरव सक्सेना हमारे बीच है। गौरव जी के बारे में मैं एक चीज में बताऊंगी। गौरव जी मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, गौरव सक्सेना। इनकी सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं कानपुर जो सेकंड टाइम आई हूँ और मैं उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है और उनकी कंपनी बहुत अच्छी फोटोग्राफर, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी फोटोग्राफर को और गौरव सक्सेना जी को, थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि बहुत जिम्मेदार है वो। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। गौरव जी बहुत तारीफ सुनी है, अभी इतनी फेमस एक्ट्रेस आपकी तारीफ कर रही हैं। मैडम की बढ़ाई है कि मेरी तारीफ कर रही है। बताएं अपने बारे में कि कैसे आपने इस करियर में, इस इंडस्ट्री में कदम रखा और कैसे शोहरत, नाम, फेमस हो गए आप? मैं 2002 में भाग के गया था मुंबई हीरो बनने। अच्छा, मेरी माँ बचपन से कहती थी मेरा लड़का हीरो लगता है। मैंने बात को थोड़ा दिल पे ले लिया, बम्बई भाग गया, बट हीरो तो नहीं बन पाया, प्रोडक्शन में घुस गया। और कुछ आप भाइयों का आशीर्वाद, माँ बाप का दुआएं और ऊपर वाले की रहमत कि आज 20 साल हो गए इस लाइन में और एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट काम कर रहा हूँ, 100 से ऊपर फिल्मों का प्रोडक्शन वो प्रमोशन कर चुका हूँ और इवेंट्स भी काफ़ी किए हैं। और अब कानपुर को हब बनाना है मुझे भोजपुरी का, क्योंकि कानपुर में अपने बहुत सारे पिलर हैं, जैसे जो मेरी फोर्थ क्राफ्ट फिल्म मेरी कंपनी है उसमें सबसे बड़ा जो इनका योगदान है कानपुर के, अगर लोगों की बात करूं तो प्रकाश शुक्ला जी का है, हमारे बड़े भाई भी हैं और इस कंपनी में उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और भी कई ऐसे नाम हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर बताने बैठूँगा शायद शाम हो जाए, जिन्होंने मेरी हेल्प की। बट ये एक वैसे इंसान हैं जिन्होंने मेरी मतलब आउट ऑफ द बियॉन्ड इमेजिनेशन उन्होंने मेरी हेल्प की। और रही बात मैडम की, तो मैडम इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो करके अगर मेरी तारीफ कर रही हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस 20 साल करियर में आपने अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, तरक्की भी देखी है, खुशहाली भी देखी है, तो कानपुर छोड़ने का मकसद ये था कि हीरो बनना है आपको,
तो ये हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन कहीं अफसोस तो नहीं होता आपको इस बात का कि आप हीरो नहीं बन पाए? नहीं, अब कल रात के बाद से तो नहीं है क्योंकि कल रात में कुछ मैडम के संग बैठ के हम लोग की फ्यूचर प्लानिंग ऐसी हुई, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, जब हम लोग को आगे लंबे समय तक काम करना ही है और अब मैडम एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट भी हैं फोर्थ क्राफ्ट फिल्म की, अब मैडम के सारे इवेंट्स मैं ही मैनेज करने वाला हूँ, तो हमने कहा कि एक बार मेरे को भी जुआ खेलना, मुझे एज अ हीरो लॉन्च कर देना, अगर कोई नहीं देखता है तो हम दोनों फ्रेंड्स बैठ के देखें। देखिए ऐसा है ना, नहीं कोई नहीं देखेगा ऐसी बात नहीं है, अब आप एक देख सकते हैं कि बहुत स्मार्ट लुकिंग और गुड लुकिंग ही हीरो नहीं बनता।